MBI स्टूडियो प्रेजेंट्स मैनपुरी। बेटी सीरियल जिंदा हो गई है और अब आप जो है बागल और जहरवीर के लिए टीका भिजवाओ और जहरवीर के लिए टीका चढ़वा दो। योगियों की वचन जैसे ही सुने आज राजा संज्ञा सिंह अक्रोधित होने लगा, लेकिन जो उसने अपने वचन कहे थे उनको ध्यान में रख करके मौन हो जाता है और योगियों से कहने लगा कि हे योगी, हमें कुछ समय सोचने के लिए दे दो। आज देखिए राजा संज्ञा सिंह की बात सुनकर के और योगी लोग राजा संज्ञा सिंह को एक राह बताने लगे और कहने लगे कि हे राजन, तुम दो लगुने लिखवाओ, एक आमायर को भिजवा दो और दूसरी लगुन बागर को भिजवा दो। दो दो बारातें आएंगी और अपने अपने जौहर दिखाएंगी और जो जबरदस्त पड़ेगा वही सीरियल को ब्याह करके ले जाएगा। आप देखिए इतनी बात सुनकर के राजा संज्ञा सिंह अपने महलों में जाता है और अपने सभी साथियों से कहने लगा कि हम किसी भी सूरत में और सीरियल की शादी बाबा जहरवीर के लिए बागड़ में नहीं करेंगे और तुम लोग ऐसा करवाओगे तो हम विष पी करके और मर जाएंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज जब ऐसी बात संज्ञा सिंह के भतीजे हरि सिंह ने सुनी तो हरि सिंह संज्ञा सिंह को सलाह देने लगा और कहने लगा कि हे चाचा, तुम दो लगुन भिजवाओ और तिथ दो दिन बाद की लिखवाओ। आमेर राज्य को भिजवाओ, उसमें तिथ दो दिन पूर्व की लिखवा दो और जो बागर लगुन भिजवाओ उसमें तिथ दो दिन बाद की लिखवा दो। इससे क्या होगा कि जब बागर वाले बारात लेके आएंगे तो सीरियल उनको नहीं मिलेगी और हटी सिंह अपने लड़के के लिए ब्याह करके सीरियल को ले जाएगा। ये बात तक्षक और मक्खी का रूप बना करके सुन रहा था। तक्षक सोचने लगा कि देखिए ये कितना धोखेबाज राजा है, इसने हमसे वादा किया था, हमने इसकी लड़की को जिंदा कर दिया, लेकिन अब ये सीरियल की शादी और बाबा जहरवीर के लिए नहीं करना चाहता है। आज देखिए सीरियल की लगुन संस्कार और किस तरह से होता है। अरे सुखमय सखियों ने किया मेरे भैया कोई सीरियल का संगा, अरे जी
राजी बाबा ना मैं ओ उठा मेरे भैया कोई मन लगान संजय सिंह ने सभी सखियों को बुला करके सीरियल का श्रृंगार करवाया और राजभवन में मंगलाचार होने लगे। विधिवत मंडप और वेदी बनवाई और सीरियल को बुलाया गया। दोनों हाथों पर सीरियल के मेहंदी लगी हुई थी और दोनों लगुने सीरियल के हाथ पर रखवा दी। गणपति का पूजन करवाया और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन सीरियल ने अपने मन मंदिर में और बाबा जहरवीर की छवि को धार लिया और जो बागड़ के लिए लगुन लिखवाई सभी को पढ़ करके सुना दी गई और नेगियों को हुक्म सुनाया कि दो दुगुना सामान लेकर के आओ और दोनों लगनों लेकर के जाओ। आज देखिए, आज तीन योगी कहने लगे कि हे संजय सिंह राजा, बागड़ की लगुन को लेकर के हम जाएंगे और दूसरी लगुन को तुम भिजवाना। जब ऐसी बात सुनी तो संजय सिंह कहने लगे कि हे योगी जन, ये इतना सारा सामान तुम लेकर के और बागड़ नहीं पहुंच पाओगे, थक जाओगे। जब ऐसी बात सुनी तो योगी जन कहने लगे कि हे राजा, इतना सारा सामान हम अपने कमंडल में ही भर लेंगे और तुम्हें कोई शक है तो उस शक को दूर कर लीजिए। आज सामान एकदम ऊपर को उठने लगा और सारा सामान नेगियों सारा सामान कमंडल में आ गया। सभी लोग देख करके चकित रह जाते हैं और आज जैसे ही नेगी जन और हटी सिंह के दरबार के लिए लगुन लेकर चलते हैं तो तच्छक ने मक्खी का रूप बनाया और नेगियों के पास जाकर के दो दो डंक मारे। नेगी जन मूर्छित हो जाते हैं और सारा सामान नेगियों का बागड़ के लिए उड़ा दिया और हंस का रूप धारण किया, समुद्र को पार किया और सारा सामान लेकर के तच्छक गोरख टीले पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचा तो जहरवीर और ध्यान मगन बैठे थे। आज तच्छक ने सारा सामान नीला घोड़ा को सौंप दिया और स्वयं जाकर के आराम करने लगा। जब तच्छक की नींद खुली और जब बाबा जहरवीर को देखा तो दोनों लोग आपस में प्रेम भाव से बातें करने लगे और बाबा जहरवीर को बताया कि संजय सिंह ने जो बागड़ के लिए लगुन भिजवाई है वो दिन दो दिन बाद की भिजवाई है और आमेर देश की लगुन पत्रिका दो दिन पूर्व की भिजवाई है। नौमी तिथि का विवाह है और तुम इसमें अंकित कर लीजिए।
और आमेरी राजा से पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आज कच्छक की बात सुनकर के बाबा जाहरवीन ने दो नेगी प्रकट कर दिए और सारा सामान अपने महलों में नेगियों द्वारा भिजवा दिया। तक्षक ब्राह्मण का वेश बना करके और महलों में पहुंचता है और मंत्रों का उच्चारण करके सारा सामान कमंडल से निकाल करके और रख दिया। और राजा उमर से कहने लगे कि हे राजा साहब, हम धूपागढ़ से आपके यहाँ ये लगुन पत्र का लेकर के आए और ये लगुन पत्र का सीरियल की संजय सिंह की बेटी सीरियल की है। और ये सारा सामान धूपागढ़ से राजा संजय सिंह ने आपके यहां भिजवाया है और ब्याह फागुन लगत और नौमी तिथि का है। इस प्रकार गोगा जी की लगुन चढ़ा करके माया रूपी नेगीजन बाहर आकर के अदृश्य हो जाते हैं। अब देखिए राजा उमराय ने अपना नगर सजवा दिया और विवाह की तैयारी करने लगे। तो देखिए किस तरह से नगर को सजवाया। अरे उमर ने नगर सजवाया, बाबा जाहरवीर की लगुन चढ़ती है और उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए गोगा जी अपनी बुआ के पास हांसी जाते हैं और अपनी बुआ छबीली से सारी बात बताई और कहा कि हमारी शादी फागुन लगत और नौमी की होगी। नरसिंह पाले संदेशा लेकर के आचड़ के गढ़ मुल्तान में गए और ठाट बाट से प्रसन्न होकर के सरवर और सुल्तान आ जाते हैं। मंडप के दिन हांसी नरेश फूफा जी जहार के आए और मंडप स्थापन किया और सारे नोक जोक करवाए। अब देखिए सभी लोग मौके पर इकट्ठे हो जाते हैं और बाबा जाहरवीर की बारात और किस तरह से प्रस्थान करती है। सिर पाद मोहर जाहर जोधा नीले घोड़े पर बैठाए, Oh, oh, oh.
मोहर बांध करके और मखमल झूल डाल करके नीले घोड़े पर बैठाया गया। घोड़े चली और निकरोसी हुई और महिलाओं ने तरह तरह से मंगल गीत गाए। और देखिए सभी महिलाएं बाबा जहांगीर के लिए किस तरह से मंगलाचार करती हैं। आज गोगा जाहर वीर बराती दूल्हा, अरे अरे बराती दूल्हा बन के चले आज बाबा, बराती दूल्हा अरे अरे बराती दूल्हा बन के चले, अरे गोगा जाहर वीर मंगल गाए बाजल मन हर्षाय, हर संग सहेली मंगल गाए बाजल मन हर्षाय, और नन्न चढ़ेली मोरे दर्पी फूल रही बरसाए, बराती दूल्हा अरे अरे बराती दूल्हा बने की चले, गोगा जाहर वीर बाराती दूल्हा, अरे अरे बाराती दूल्हा बन के चले आज गोगा जाहर वीर, तोपों की टंकार हो रही नगरी खुशी अपार, तोपों की टंकार हो रही नगरी खुशी अपार, और मधुबे बाजे बजे संग में शोभा अपरंपार, बराती दूल्हा बने के चले आजू गोगा जाहर वीर, बाराती दूल्हा अरे अरे बाराती दूल्हा बने के चले आजू गोगा जाहर वीर। हाथी घोड़ा ऊंट संग में सभी बरात में जाए, अब पहुंच गए समुद्र पे जाके दियो पड़ाव डरवाए, बराती दूल्हा अरे अरे बराती दूल्हा बन के चले आजू गोगा जाहर वीर, बराती दूल्हा अरे अरे बराती दूल्हा बन के चले आजू गोगा जाहर वीर। जहांगीर की बारात और देखिए समुद्र पे पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के पड़ाव डाल दिया। आज सब लोग जिधर देखते हैं उधर जल ही जल दिखाई दे रहा है। आज सब लोग सोचने लगे कि इस समुद्र को किस तरह से पार किया जाएगा। बाबा जहांगीर कहने लगे कि गुरु की कृपा होगी तो हम सब लोग किसी न किसी तरह से और समुद्र पार कर ही लेंगे। आज जैसे ही गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, राजा उमरा कहने लगे कि हे भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और हमने गुरु गोरखनाथ को और बाबा जहांगीर की बरात के लिए नहीं बुला पाया, ये हमसे बहुत भारी भूल हो गई है। आज बाबा जहांगीर ने नरसिंह पांडे को और नीला घोड़ा लेकर के और गुरु गोरखनाथ को बुलाने के लिए कजरी वन में भेज दिया। नरसिंह पांडे गुरु गोरखनाथ के पास कजरी वन में पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहा कि हे गुरु जी तुम्हारे जहांगीर से बहुत बड़ी भूल हो गई है और तुम्हें
वो अपनी बारात में नहीं बुला सका। गुरुजी सोचने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सारी बात मालूम है कि आज बाबा जहरवीर की बारात जा रही है और हम तुम्हारी बात को मानते हैं और तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। आज गुरु गोरखनाथ ने अपने सभी शिष्यों को 1400 को आदेश दिया, सभी शिष्य लोग और सज धज के तैयार हो जाते हैं और जाकर के समुद्र पे राजा उमराव के पास पहुंच जाते हैं। राजा उमराव और सभी लोगों ने गुरु गोरखनाथ के को शीश नवाया और पैर छुए। गुरु गोरखनाथ ने सबके ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए और समुद्र पार हम तुमको आसानी से करवा देंगे। आज गुरु गोरखनाथ ने पूरी बारात को और मक्खी बना दिया और गुरु गोरखनाथ ने उड़न खटोला का आह्वान किया। उड़न खटोला आ जाता है और रथ ऊंट पालकी हाथी घोड़े और सभी को छोटा रूप कर दिया और सभी लोग उड़न खटोले पर चिपक गए। गुरु गोरखनाथ के संग संग और समुद्र पार राजा सिंघा सिंह के यहाँ पहुंच जाते हैं और जाकर के एक बाग में बारात रुक जाती है। गुरु गोरखनाथ ने सभी अपने 1400 चेलाओं को और मक्खी बनाकर पेड़ों पर चिपकवा दिया और जहरवीर और नीला घोड़ा उर्जन सुर्जन और बाला भनेजा नरसिंह भज्जू रत्नावीर और इनको सबको मनुष्य के रूप में ला दिया। उधर क्या होता है कि सिंजा सिंह के गुरु जालिंदर भी और सिंजा सिंह के यहाँ अपने शिष्यों को लेकर के आ जाते हैं और उनका एक चेला कानी बनाता था, वो भी बड़े राजसी ठाट बाट में वहां पर उनके साथ आया। राजा सिंजा सिंह का एक दूत बाग में जाता है और उसने जाकर के देखा कि वहां पर बहुत सारे आदमी हैं, जहां जन्माशा बनाया था वहां पर एक राजकुमार और दो योगी और छोटे भाइयों को लेकर के वहां पर घुसे आए और गुरु गोरखनाथ ने आप बताओ।